से और वो लोगों से जुदा हो गए। वला तकुलू, फिर भी मुर्दा। अल्लाह क्यों क्यों ना कहें, फरमाया बल अहया, वो तो जिंदा है। भाई क्या है, जिंदा है। क्या है, जिंदा है। इसीलिए तो जिंदों का मातम नहीं है, और तुम्हें अभी तक ये अकल नहीं है। बल अहया, वो जिंदा है। कैसा जिंदा है, वला किल्ला तशऊरून, जिंदा ऐसा है जिसका तुम शऊर भी नहीं रख सकते, तुम्हारी सोच से बाहर, तुम्हारी फिक्र से बाहर, तुम्हारे अंदाजों से बाहर, तुम्हारी फिक्र से बाहर, तुम्हारे ज़ाहिर से बाहर, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो जिंदा भी है, पहली जगह कहा मुर्दा कहमत, दूसरी जगह कहा वला तासबन लजीना, मुर्दा सोचो भी मत। कहने पर भी पाबंदी लगा दी, सोचने पर वला तकुलू वला तासबन लजीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अम्माता, मत सोचो कि वो मुर्दा है। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, वो रब के यहां खा रहा है, रिज खा रहा है। तुम्हारी सोच से बाला तर हो अपने रब के दस्तरखान पे बैठा है, वो सुकून और राहत की जिंदगी है। वो परिंदों की शक्ल में उसकी रूह जन्नत की सैर कर रही है। मैंने आज पढ़िया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, किसके लिए, और काफिर के लिए। कैद खाने में बैठे हुए कैदी की एक ही ख्वाहिश होती है, कितनी खूबसूरत कितनी हसीन जेल क्यों ना हो, उसकी ख्वाहिश क्या होती है, उसे जेल में बैठकर आप दुआ दो अल्लाह ताला तुझे बहुत मालदार बना दे, कहते बस कर। उसे जेल में बैठकर दुआ दो तेरे बड़े बंगले हो जाए, कहते छो जालिम मुझे दुआ दे के मैं रिहा हो जाऊं, क्या हो जाऊं, मुझे रिहाई चाहिए। कितनी खूबसूरत जेल क्यों ना हो, कितनी सहूलत क्यों ना हो, मगर वो रहने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो आप देखते हैं हर सियासतदान बाहर घूम रहा है, जैसे ही जेल में जाता है बीमार हो जाता है, कहते मुझे अस्पताल ले जाओ। भाई अस्पताल क्यों जा रहा है, पहले तो घूम फिर रहा था, कहते बीमार, दिल का अटैक हो गया। हमारे मौलाना आजम तारिक शहीद फरमाते थे, इतना तो हमें डकार नहीं आते जितने इनको अटैक आ जाते हैं। क्यों, जेल से निकलने के बहाने अस्पताल में चले जाएं कमरे, लेकिन जेल ना जाएं, जेल मुश्किल जगह है। अदुनिया सिजरुल मोमिन, ये मोमिन के लिए कैद खाने, और समझना रिहाई दो तरह की होती है, एक होती है रिहाई जमानत पर, फलानमी ने गारंटी दी और जमानत दे दो, तलवार लटकी रहती है, केस का फैसला कुछ भी आ सकता है, जमानत कैंसिल हो सकती है, दोबारा जेल जा सकता हूं, तारीखों पे जाना पड़ता है। और एक रिहाई वो होती है जो अदालत से बरी हो जाता है, अदालत से बरी हो जाता है, जनाब फला आदमी बरी हो गया, अब वो बरी हो गया, अब उसको किसी अदालत में जाने की, अब उसको जेल का कोई खतरा नहीं है। अदुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जो आदमी अपनी मौत मर गया वो इस कैद खाने से रिहा हो गया, मगर जमानत पर है। उलमाए किराम किस पर है, जमानत पर है।
एक अदालत फिर लगनी है, गवाहों ने फिर पेश होने, असबाब ने फिर सामने आने, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक वो है जो जमानत पर नहीं है, भले बरी हो गया है, बरी हो गया कैसे हुआ, इधर खून के कतरे जमीन पर नहीं पहुंचे, उधर अर्श से मगफरत का ऐलान हो गया है, और भाई समझो तेरा जाने वाला जमानत पर होगा, मेरा जाने वाला तो बरी हो गया है। मेरा जाने वाला तो बरी हो गया है, अब उससे पूछ पूछ, अब उसकी अजमतें ही अजमतें, वो जाते ही बुलंदी में चला गया। इसलिए मोमिन की हर कैदी की ख्वाहिश होती है, मैं रिहा हूँ, जमानत पर ना हूँ, मैं अदालत से बरी हो जाऊँ, ताकि बाहर दुनिया को पता चले ये तो बरी होकर आया है, इस पर इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुआ है। शहीद दुनिया से जाता है, अरे दुनिया के सारे मामलात से बरी होकर जाता है, खून का कतरा गिरता है, गुनाह सारे माफ हो जाते हैं, फिर जब कैदी कैद से छूट कर आता है, उसकी ख्वाहिश होती है मेरे रिश्तेदार, मेरे आइज़ा, मेरे अकरबा, मेरे दोस्त अहबाब मेरे इस्तकबाल के लिए आए, मुझे लेने के लिए आए, फिर जेल के गेट पर लोग उसके लिए खड़े होते हैं, उसे हार पहनाते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं, इस्तकबाल हो रहा होता है। तवज्जो करना, मैं आपको जुमले बता रहा हूँ, शहीद जब दुनिया से जाता है शहीद होकर, इसका इस्तकबाल होता है, तवज्जो करना, इस्तकबाल कौन करते हैं, इस्तकबाल इसका शुहदा करते हैं, इस्तकबाल इसका फरिश्ते करते हैं, जिन लोगों की इज्जत पे कुर्बान होकर जाता है वो इसका एहतराम करते हैं, वो इसका इस्तकबाल करते हैं। ये जाने वाला यूं नहीं जाता, रहने वाले जो इससे पहले गए वो इसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। नबी भी आते, पैगंबर भी आते, वली भी आते, कुतुब भी आते, जनाब अब्दाल भी आते, शेखुल हदीस भी आते, शेखुल तफसीर भी आते, शुहदा के जुर्मट में इसे ले जाया जाता है। तेरा रिहा होने वालों का इस्तकबाल दुनिया वाले करते हैं, और शहीद होने वाले का इस्तकबाल वो आखिरत वाले करते हैं। रिहाई हो गई। मुझे एक आदमी उस दिन कहने लगा, बहुत से लोगों को ऐसे भी लोग हैं, आप कहेंगे पता नहीं मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मालूम नहीं मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरे सामने आई है मुझे कर लेनी चाहिए, कि एक आदमी डॉक्टर साहब की कब्र पे गया, उसको कश्फ होता था, क्या उससे किसी ने पूछा कि यार क्या मसला, उसने पहले बताया नहीं, फिर पूछा, फिर जब बहुत इसरार किया, उसने कहा मसला यह है कि डॉक्टर साहब जब शहीद हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम इस्तकबाल को आए और साथ सारे शुहदा को लेकर आए। कहा बुजुर्गों ने दरख्वास्त की कि हम भी जाना चाहते हैं, तो जवाब है कि नहीं, यहाँ सिर्फ शहीद जाएंगे। डॉक्टर आदिल खान तेरी शहादत को, डॉक्टर आदिल खान तेरी शहादत को, शहदाए नामूस सहाबा, शहदाए नामूस सहाबा। मौलाना हक नवाज शहीद हुए तो मदीना मुनव्वरा में एक शख्स ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा हुजूर अलैहिस्सलाम खुलफाए राशिदीन आए हुए हैं। आजम तारिक शहीद तो अभी शहीद ही नहीं हुए, मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी कुछ अरसा पहले उनका इंतकाल हुआ, उनने पहले ख्वाब में देखा अम्मा आयशा सिद्दीका इस्लामाबाद आई हैं। अम्मी क्यों आई हो? कहा अपने बेटे आजम तारिक को लेने आई हूं। और डराने वालों, मारने वालों, रास्ता रोकने वालों, गोली चलाने वालों, तुम नाकाम करना चाहते हो, ये कामयाब हो जाते हैं, ये दुनिया तो कैद खाना है, ये तुम्हारे लिए जन्नत होगा, हमारे लिए तो कैद खाना है। इसलिए हदीस ने बताया अब दुनिया सजदुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है, हमारी जन्नत तो कहीं और है। पहली ख्वाहिश होती है रिहा होने वाले की, मेरा इस्तकबाल हो, तेरे इस्तकबाल के लिए माँ आती है, बाप आता है, कारकुन आते हैं, वर्कर आते हैं, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, और उनके इस्तकबाल के लिए वली आते हैं, कुतुब आते हैं, शुहदा आते हैं, नेकोकार लोग आते हैं, खुलफाए
راشدین آتے آقا علمدار آتے تیری رہائی اور ان کی رہائی میں بڑا فرق ہے. دوسری خواہش ہوتی ہے اس رہا ہونے والے کی, اور وہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ یار اب دعوتیں اچھی اچھی ہو جائیں, اور پھر ایک سلسلہ دعوتوں کا شروع ہوتا ہے. جو لوگ رہا ہو کے ہیں انہیں اس بارے میں خصوصی علم ہے کہ یار وہاں تو کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, رمضان کے مہینے میں میں گرفتار تھا, تربوز کھانے کا میں شوقین ہوں, تو مجھے رمضان میں وہاں تربوز نہیں ملتا تھا. میں ایک دن باہر آیا تو کسی جگہ میں مجھے لاک اپ میں بند کیا. میں نے ان سے کہا کہ یار یہ پیسے لے لو, تربوز لے لو. انہوں نے کہا نہیں وہ تو نہیں ایسے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس سے خطرہ بہت ہے. میں نے کہا اس کا کیا خطرہ ہے؟ کہنے لگے الاؤ نہیں ہے. بھائی کیوں, وجہ تو بتاؤ. کہنے لگے بس وہ منع کیا, وہ اب نہیں کھا سکتے. اب میرا دل بہت کرے لیکن میں کھا نہ سکوں. اتفاقاً یہ کہ ایک تاریخ نکل آئی اور میں سرگودا چلا گیا. جب میں سرگودا